दोनों साहब आपके साथ यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गौतम खान से हमारी रियल स्टेट कम्युनिटी और हमारे जो गौतम खान से लोकल कम्युनिटी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आप तशरीफ लाए। इसके अलावा इस्लामाबाद से जो इस्लामाबाद एसोसिएशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव जाहिर हकीम साहब, उनका बहुत शुक्रिया। इसी तरह बैरिया से चौधरी मुश्ताक साहब मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो लिहाजा जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे साथ, तो बेसिकली आज हमारे लिए अचीवमेंट्स हैं। एक अर्ली फूड ब्लॉग का प्रदर्शन और दूसरा दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड मैकडॉनल्ड्स के साथ हमारी एक जो पार्टनरशिप का आगाज है यहाँ पे, ये अचीवमेंट पे आप सब हमारे साथ जुड़ी हुए, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम का बहुत मशहूर हूँ, मेरी डेवलपमेंट टीम नदीम साहब, इनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात, बल्कि कहने की जरूरत नहीं है, उनकी मेहनत नजर आ रही है। इतनी मुश्किल डेवलपमेंट थी यहाँ पे, एक टारगेट अचीव करना 6 मंथ्स के अंदर नियर टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, कुछ टेक्निकलिटीज है, नवीद साहब ने भी नहीं बताई आपको, इन 6 मंथ्स के अंदर जो मोबिलाइजेशन टाइम है वो शामिल है। कि मोबिलाइजेशन टाइम जो आपको पता है कि शुरू में एक इंगेज होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइज करने के लिए, वो टाइम भी इसके अंदर शामिल है। अगर आप वो भी निकालें तो गालबन 4-4.5 महीने का ये टोटल काम है जो आपको नजर आ रहा है। अगले ब्लॉक्स में हम जब जाएंगे, जिसमें साउथ ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, आप भी देखेंगे वहाँ पे इस वक्त लेवलिंग का काम भरपूर तरीके से जारी है। 500 से ज्यादा मशीनरी इस वक्त ए साउथ और बी ब्लॉक के अंदर डिप्लॉयड है। उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद एक्सेस टू पब्लिक शुरू कर देंगे, ताकि जो भी जाके ए साउथ और बी ब्लॉक पर डेवलपमेंट का काम देखना चाहे वो देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब दोबारा ये आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, कि इसी तरह अगले 6 से 8 महीने के अंदर आपको ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक में भी गालबन इसी तरह की हम सर्वरी कर रहे हैं। मैं गवर्नेंस के बारे में कहूँगा, एक दुनिया का बेहतरीन ब्रांड मेट्रो सिटी के साथ मुंसलिक है। आपकी जो मेट्रो सिटी का एक ब्रांड वैल्यू है, इससे इंक्रीज होगी, इलाके को बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। मैकडॉनल्ड्स के साथ साथ बहुत और भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रिवील करेंगे। और आप ये देखेंगे कि न्यू मेट्रो सिटी गौतम खान के अंदर इतने बेहतरीन ब्रांड्स, नॉट जस्ट फूड ब्रांड्स, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो एंटरटेनमेंट के या वैल्यू एडिशन के, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और मैं नहीं समझता हमारे गुजर खान, सोहावा, दीना, आजाद कश्मीर की जो पूरी बेल्ट है, यहाँ की चकवाल, उन सब के लिए वन स्टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बन जाएगी। अब पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट आप इससे लगा सकते हैं। लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, हमारे रियल स्टेट के दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी काम जरूर करते हैं जो 5-5, 6-6 साल हो गए, जहाँ पे एक घर नहीं अभी तक बन सका, एक रिहाइश नहीं है। तो मेरे से भी सवाल कर रहे थे कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या। मैं कहा जो आप जिन प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, जो शहरों से इतने दूर है, ये रीजन 1.5 करोड़ आबादी का पूरी सराउंडिंग है, झेलम से लेकर रवाद तक ये पूरा रीजन है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल लोकेशन इस वक्त पंजाब में वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल लोकेशन है ये प्रैक्टिकल। यहाँ पे 1.5 करोड़ की आबादी है, जिसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। जो वेल्थ की बात है यहाँ पे, अनइमेजिनेबल वेल्थ यहाँ पे मौजूद है, जो आप सबको मेरे से बेहतर पता है, ड्यू टू ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे जो मौजूद है। पूरी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गुजर खान की बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से हमारी डिलीवरी स्पीड इससे भी तेज थी, क्योंकि हमें पता था, और उसके मिसाल मैंने आपको बताई है कि पोजेशन आज अनाउंस हुआ है, आप प्रॉबेबली मंडे या नेक्स्ट वीक में हम रिकॉर्ड भी आपको दिखा देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि 80% के करीब पोजेशन एप्लीकेशन हमें नेक्स्ट 10 डेज में आ जाएंगे, तो जिन्होंने घर बनाना है यहाँ पे, जिन फ्लॉ के लॉटिंग है। तो लिहाजा
बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, एक तो हम करेंगे, उसके अलावा जो लोग यहाँ पे अपने घर बनाएंगे, कमर्शियल्स बनाएंगे, एक मेगा सिटी, एक बड़ा शहर यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा, और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा फायदा भी होगा, हमारे जो सेल्स पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा फायदा होगा। बाकी यहाँ पे मैंने ऑफिसेस दिए हैं, हमारे जो गुजर खान के कम्युनिटी है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक बेहतरीन ऑफिस, बेहतरीन लोकेशन पे इनके ऑफिस हैं और ये ऑपरेशन हो जाएंगे। इसी तरह एक विंग मैं नया अनाउंस करूंगा ईद के बाद, जहाँ पे जो हमारे साथ पीडी इस्लामाबाद से रियल एस्टेट कम्युनिटी के सेल्स पार्टनर्स अटैच हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इंगेज्ड हैं, उनको भी इसी तरह के ऑफिस जो है ईद के बाद मैं अलॉट करूंगा, उसका भी प्रोसेस तफसीली चला ईद के बाद बताएंगे, वो भी आपको एक महीने में चले रेडी करके दे देंगे। लास्टली अगेन मलिक बरहान साहब एक विजनरी इंसान है और ये सब उनके डिटर्मिनेशन है, उनकी लीड पे हम काम कर रहे हैं और ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री पाकिस्तान रियल एस्टेट। मैं आपको मुझे शायद बताने की आपको जरूरत नहीं है कि न्यू मेट्रो सिटी करंटली अगर आप पेरियर टाउन और डीएचए को एक एस्पेक्ट में रखें, आई थिंक कि न्यू मेट्रो सिटी करंटली इज द थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। क्योंकि मलिक बरहान साहब की अचीवमेंट है, उनका विजन है, उनकी मेहनत है और अपनी हमारा ये आवाज है। नो डाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लंप है, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हर जगह हर इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लंप है, लेकिन आई अश्योर यू कि इस टफ टाइम के अंदर ही मेट्रो सिटी अपने आप को परफॉर्म करके दिखाएगा, हम शाइन करेंगे और फिर जब एक इंडस्ट्री दोबारा रिवाइवल की तरफ आएगी तो हम समझते हैं कि वी विल बिकम द पायनियर ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। लास्टली अब्बासी साहब मौजूद हैं, एक बेहतरीन किस्म की उन्होंने हमें सपोर्ट दी है, डेवलपमेंट की सपोर्ट आपने देखी है, लेकिन और ये भी मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड होगा कि इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग 0% लिटिगेशन, मतलब आप प्रैक्टिकली पब्लिक फंक्शन में बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाखों लोग इस वीडियो पैगाम के जरिए सोशल मीडिया के जरिए सुनेंगे, 0% लिटिगेशन अभी तक यहाँ पे हमारे पास है, जो कि वो भी इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। एक ऑनेस्टी के साथ टीम काम कर रही है, गुजर खान की लोकल अवाम का बहुत सपोर्ट है, हम उनके बहुत मशहूर हैं, जिस तरह वो हमें वेलकम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। और इसी तरह हमारी बीएसएफ की सारी टीम है, डेवलपमेंट की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, इसको इसकी एक फास्ट डिलीवरी के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि हम अपने वादों पे पूरे उतरें और हमारे जितने भी दोस्त, हमारे जो कोर स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर्स हैं जो सेल्स से भी आए थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि सारी मार्केट को ड्राइव कर सकें, और डेफिनेट बात है कि हमें भी बाजू चाहिए होते हैं जो आउटरीच करें, एक बड़ी मार्केट है, तो मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ और जो भी दोस्त उनके साथ अटैच हैं उनका भी बहुत मशहूर हूँ। बाकी अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं गवर्नर्स की तरफ से हमारे डिग्निटरीज यहाँ पे मौजूद हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जिस स्पीड से हमने अर्ली बॉर्ड डॉट ब्लॉक डेवलप किया है उस स्पीड से हमें गवर्नर्स हमें यहाँ पे आप खड़ा करके देंगे, प्रॉबली शायद अभी बात नहीं, कोशिश ये है कि 3-4 मंथ्स के अंदर मैं गवर्नर्स यहाँ पे एक्टिव होगा, उमर तू साहब की टीम जो है इनकी स्पीड शायद हमसे भी तेज है जो बता रहे थे, तो 3-4 मंथ्स के अंदर यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन जीटी रोड के ऊपर न्यू मेट्रो सिटी के अंदर एक्टिव होगी, और उमर तूर साहब ने बोला है, ही इज अ वेरी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैकडोनाल्ड पाकिस्तान, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का बेहतरीन मैकडोनाल्ड का ब्रांच आउटलेट इंशाल्लाह यहाँ पे बनाएंगे। तो अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन थैंक यू सो मच, मेरी और मेरी टीम से आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। मलिक बरहान साहब यहाँ पे कुछ देर दुबई से वीडियो कॉल में आपसे कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, उसके बाद फिर बहुत शुक्रिया।